शहर हैदराबाद के असम्बली हलके मुशीराबाद की मस्जिद मेराज अल मारूफ एक मीनार मस्जिद के पास आज सियासत मिल्लत फंड व फैज़े आम ट्रस्ट के इश्तराक से एक मुनफरिद यूनानी मेडिसिन स्टीम सेंटर का इफ्तिताह बदस्ते मौलाना फसीउद्दीन नदवी अमल में लाया गया, जिसके तहत इलाके के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए यूनानी तरीके इलाज की स्टीम मुहैया की जाएगी। इस मौके पर इलाके के साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद वाजिद हुसैन के साथ साथ वहाँ के कई जी असर अफराद भी वहाँ पर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोजनामा सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से मस्जिद मेराज ज़मिस्तानपुर मुशीराबाद के सामने ये तिब्बे नबवी का नुस्खा, जिसके अंदर गर्म भाप के जरिए इलाज की कोशिश की जा रही है, जिसमें इलायची, लौंग और अदरक, कलौंजी, पुदीना, इस तरह की चीज़ें जो सर्दी ज़ुकाम को कम करने और कोविड को कम करने में मुफीद है, वो प्रोग्राम यहाँ शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने इससे इस्तिफादा किया और लोग मुस्तकिल फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फरमाए, इसके ज़रिए इस वबा को, इस बीमारी को अल्लाह तबारक व ताला ख़त्म फरमाए। हलका असम्बली मुशीराबाद के ज़मिस्तानपुर इलाके में आज सियासत मिल्लत फंड और फैज़ान आम ट्रस्ट की जानिब से मस्जिद मेराज एक मीनार मस्जिद के नाम से जो मशहूर है, वहाँ पर यूनानी मेडिसिन स्टीम का अभी कुछ देर पहले इफ्तिताह अमल में आया। आज के इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि ये यूनानी मेडिसिन स्टीम का अहम मकसद ये है कि पिछले दिनों जो कोरोना वायरस से लोग मुतासिर हुए थे, फिर दूसरी वबा भी फिर हमारे दरमियान में रही और आने वाले दिनों में तीसरी वबा के बारे में भी बड़े बड़े दानिश्वर और डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन इससे हिफाजत में रहने के लिए, इसके तहफ़ के लिए और हमारे जो फेफड़ों में मुख्तलिफ किस्म के अमराज मौजूद है उसको दूर करने के लिए सियासत मिल्लत फंड की तरफ से और फैज़ान ट्रस्ट की तरफ से जो यहाँ पर एहतमाम किया गया है, और बड़ी खुशी की बात है कि जैसे ही इसका इफ्तिताह अमल में आया यहाँ पर लोग बहुत ही पुरखलुस अंदाज से, यहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग हजरात हैं और नौजवान साथी है, ये सभी लोगों ने यहाँ पर इस टीम का जो है एहतमाम करने के लिए जिस कस्म का ताउन हमारे दरमियान में किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि यहाँ पर रोज़ाना यूनानी मेडिसिन स्टीम का एहतमाम किया जाएगा और जो जो भी हजरात चाहे वो 18 साल की उम्र के हो या 60-70 साल की उम्र के हो, ये इस स्टीम से जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस से उसको डिफेंस करने के लिए और कोरोना वायरस से बचने के लिए, अपने आप को जो है आने वाली बीमारी से तहफ़ के लिए यूनानी मेडिसिन स्टीम का यहाँ पर एहतमाम किया गया, उससे मुस्तफ़िद हो। और हैदराबाद शहर में ख़ास तौर पर सियासत की तरफ से और फैज़ आम ट्रस्ट की तरफ से मुख्तलिफ असम्बली हल्के जा एक के बाद दीगर इस सिलसिले में जो एहतमाम किया जा रहा है, मैं सियासत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और तमाम अहदेदारों का और अराकिन का भी जो ख़ास तौर पर इस अहम काम में मिल्लत की कौम और मिल्लत के तहफ़ के लिए जिस अंदाज से ख़ास तौर पर जो एहतमाम किया गया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।